तो सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्मी लवर 01 पे, जहां होती है आर्मी और पुलिस भर्ती से रिलेटेड एकदम सही बातें। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको आज का जो टॉपिक है, यहां पर मैं आपको बात करने वाला हूं सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की आर्मी भर्ती से एक महीने पहले या 20 दिन पहले किस तरह की तैयारी करनी है, क्या करना है आर्मी भर्ती से 20 दिन या 15 दिन पहले। बहुत लोग हड़बड़ाहट में रहते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, तो उसके बारे में मैंने आज सारी की सारी चीजें निकाल ली है और आज आपको बताने वाला हूं 5 टॉपिक के जरिए कि आपको एक महीने जो बचा हुआ है आपको किस तरह आपको प्रिपेयर करना है खुद को और अपनी भर्ती के लिए आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अगर जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, घंटे वाला लेकर दबा देना, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आर्मी लवर 01 अपने फौजी भाइयों के लिए, आर्मी की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए बनाया गया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों जो बंदे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक महीने का टाइम बचा हुआ है, या फिर जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जिनकी भर्तियां आने वाली हैं, वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों अपने भाइयों में इस वीडियो को शेयर करने से पहले पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो आज मैं पहला जो पॉइंट है, जिनकी भर्तियां एक महीने की या 20 दिन बची, उनका पहला पॉइंट है ओवर एक्साइटेड, यानी कि हड़बड़ी। ठीक है, तो पहली चीज जो है हड़बड़ी या ओवर एक्साइटेड। बहुत सारे बंदे क्या होते हैं भर्ती, जो पहली बार, खास करके जो बंदे पहली बार भर्ती देख रहे होते हैं, उनका क्या होता है, उन लोगों ने भर्ती देखी नहीं होती है तो बहुत उनको जैसे पता लगती है कि डेट आ गई है आर्मी भर्ती की, हमें इतनी तारीख को फिजिकल देने के लिए जाना है, तो बहुत सारे बंदे को तो हड़बड़ाहट में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। यार मेरी पहली भर्ती है, क्या करूं यार, कुछ पता नहीं है। चलो ठीक है, मैं 3 किलोमीटर की तैयारी करता हूं, मैं 5 किलोमीटर की तैयारी करूंगा, जहां पर मैं 100 मीटर के 200 मीटर के सूट 3-4-4-5-5 रेपिटेशन लगाता था, आज मैं 10-10-15-15 रेपिटेशन लगाऊंगा क्योंकि मेरी भर्ती नजदीक आ गई। मतलब बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि भर्ती में क्या होना है, कैसे क्या होना है। देखो मैं आपको एक पहली चीज बता दूं कि आपको कभी भी ओवर एक्साइटेड या हड़बड़ी नहीं करनी है, आप एकदम रिलैक्स रहिए। आपने जो साल भर से तैयारी, हड़बड़ी उनको होनी चाहिए जो लोग जिस दिन फॉर्म डाल के आए हैं और उनको पता लग गया कि आज कल भर्ती है और आज तैयारी कर रहे हैं, तो उनको होती है हड़बड़ी। लेकिन आप भाई दोस्त अगर साल भर से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपको हड़बड़ाहट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अब ओवर एक्साइटेड हो जाओगे तो क्या होगा वो मैं आपको उसका बताने वाला हूं कि उसकी आप क्या गलती कर बैठोगे। ओवर एक्साइटेड अगर हो गए ना आप, तो जहां पर आप 100 मीटर के 3 या 4 रेपिटेशन लगा देते, वहां हड़बड़ाहट में आप क्या करोगे कि मेरी भर्ती नजदीक आ गई है, तो वहां 100 मीटर के जो 3-4 रेपिटेशन की जगह आप 6-6-5-5-7-7-8-8 रेपिटेशन लगाओगे। अब यहां पर क्या होगा कि आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, मतलब ओवर एक्साइटेड जब हो जाओगे आप, तो आप ज्यादा वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे क्योंकि मेरी भर्ती नजदीक आ रही है। ठीक है, तो यहां हड़बड़ाहट आपको नहीं करनी है, आपको इतना ज्यादा वर्कआउट करने का जरूरत नहीं है, जितना वर्कआउट आप करते थे वही वर्कआउट करना है, बस थोड़ा सा चेंज कर देना। क्या चेंज करना है आगे मैं बताऊंगा। हड़बड़ाहट में आओगे तो आप इंजरी खा जाओगे, यहां पर जो आप वर्कआउट कर रहे हो पहले से ज्यादा वर्कआउट करोगे एकदम से, तो आप अपने एफर्ट ज्यादा यूज करोगे तो आप इंजरी खा सकते हो, और इंजरी खाओगे दोस्त तो भर्ती आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए ओवर एक्साइटेड या हड़बड़ाहट में नहीं आना है, तो मैंने ये पॉइंट काट दिया है। ठीक है, दूसरी चीज आप बात करते हैं सेफ्टी की या सुरक्षा की। सेफ्टी और सुरक्षा, मतलब सेफ्टी का ही मीनिंग है सुरक्षा, तो इस पे आपको कैसे फोकस करना है, ये क्या चीज मैं आपको बता दूं। सेफ्टी मतलब कि सेफ्टी ऐसे नहीं कि दुश्मन आ रहा है गोली मार के चला जाए, वो नहीं, मैं आपको बताऊं सेफ्टी क्या। सेफ्टी ये कि आपकी भर्ती आने वाली है, एक महीना बचा हुआ, 20 दिन बचा हुआ है, तो वहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे आपको चोट लग जाए। लाइक अगर आप जैसे आपका फिजिकल होने वाला है, तो अगर हो सकता है कोई दोस्त लोग बोलेंगे चल कबड्डी खेलते हैं, चल फुटबॉल खेलने चलते हैं, वहां पर जब आप जा रहे हो खेलने के लिए तो किसी से झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, झगड़ा मतलब अब मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या करना। देखो झगड़ा करोगे तो आपको चोट मोट लग जाए, खुदा ना खास्ता अगर आपको चोट लगी, मान लो आपके हाथ में चोट लगी, आपके पैर में चोट लगी, तो यहाँ पर अगर आपकी बोन मोन टूट जाती है, आपको कट मट लग जाता, चोट मोट हल्की फुल्की लग जाती, तो फिर आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तो खुद को सेफ रखना है, सेफली रखना है, आप कबड्डी मबड्डी वगैरह ऐसे गेम ना खेले जहां पर आपको चोट लग जाए, तो खुद को सेफ रखना है। सीढ़ियां पर चढ़ रहे हो तो अच्छे से समझदारी से सीढ़ियों पर चढ़ो, क्योंकि यहाँ पर आपके ड्रीम से जुड़ा हुआ है वो एक महीना अगर आप सेफ अच्छी तरीके से बिता लोगे तो आप अच्छे से भर्ती देख पाओगे, इसलिए इस एक महीने में आपको खुद को सेफ रखना है। ठीक है, खुद की सेफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बता दिया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, सेफ्टी का, सुरक्षा का पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट बात करते हैं स्पीड वर्कआउट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बंदे लोग क्या करते हैं कि जिनकी भर्तियां नजदीक आती हैं तो वो स्पीड वर्कआउट को छोड़ करके लॉन्ग रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सबसे बड़ी वाली गलती। तो ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि स्टेमिना जो होता है ना दोस्त, एक महीने में नहीं बनता है। स्टेमिना बनाने के लिए 2-3-4 महीने प्रैक्टिस करना पड़ता है, रेगुलर ग्राउंड जाना पड़ता है। अगर आप साल भर से मेहनत कर रहे हो, 3-4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका स्टेमिना बन चुका है। ठीक है, अब आपकी बारी आ चुकी है भर्ती की, तो यहां पर आपका एक महीने का टाइम बचा हुआ है, 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो वहां पर अब आपको ज्यादा से ज्यादा
स्पीड वर्कआउट पे फोकस करना है। स्पीड वर्कआउट क्या करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वीडियो जाकर देख लेना स्पीड वर्कआउट में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको अब करना है स्पीड वर्कआउट। तो तीसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, आप स्पीड वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल्स ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, मसल्स ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी तो आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक महीने का 20 दिन का टाइम बचा है तो वहां पर करना है आपको स्पीड वर्कआउट। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चौथे पॉइंट में बात करते हैं चेस्ट वर्कआउट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है चेस्ट वर्कआउट का। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं तैयारी अच्छे से कर लेते हैं और लॉन्ग रनिंग करते हैं, आर्मी के बंदों की खासकर बता रहा हूँ, उनकी वर्कआउट जो होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और जो बंदों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनके बारे में बात करना चाहूंगा। तो वो क्या करते हैं कि भर्ती आते आते अपनी टाइमिंग तो अच्छी कर लेते हैं, रनिंग अच्छी कर लेते हैं, स्टैमिना अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कम क्या हो जाता है रनिंग करते टाइम उनका चेस्ट जो होता है अंदर की तरफ धस जाता है, चेस्ट कम पड़ जाता है। अब भर्ती देने के लिए जाते हैं तो वहां रनिंग वो निकाल लेते हैं, चेस्ट में भाई तुरंत फैल हो जाता है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर चेस्ट कम निकलता है और वो बेचारे बाहर आ जाते हैं। फिर बोलते हैं यार हमने सर मेहनत की हुई थी लेकिन फिर भी हम बाहर हो गए सिर्फ चेस्ट की बदौलत। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आपको जो एक महीने का टाइम बचा हुआ है वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा चेस्ट वर्कआउट करना है, जिससे आपका चेस्ट की जो मसल्स है जो बाहर की तरफ निकले, चेस्ट आपका बाहर की तरफ निकले, चेस्ट का आयतन पूरा हो जाए, जिससे यहां पर आप चेस्ट में रिजेक्ट ना हो जाओ। तो चेस्ट वर्कआउट करने के लिए पुशअप मैंने बता रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, पुशअप की वीडियो देख लेना किस तरह के आपको पुशअप लगाने, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है, चेस्ट वर्कआउट आपको करना है। और उसके बाद आते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में क्या करना है आपको, किस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है मैं आपको बता दूं। देखो एक चीज तो आपके दिमाग में घूम रही होगी कि हम जहां भर्ती देने के लिए जा रहे हैं वहां क्या होगा, किस तरह का माहौल होगा, कैसा ग्राउंड होगा, खासकर कैसा ग्राउंड होगा और वहां पर कैसा सरफेस होगा जिस ग्राउंड पे हम लोग दौड़ेंगे, क्या हम वहां जूते पहन के दौड़ सकते हैं या फिर गिट्टी होगी या फिर कांटे होंगे, क्या होंगे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करना स्टार्ट कर देना उस एक महीने के अंदर अंदर कि जिस ग्राउंड में भर्ती होने वाली है उस जगह पर किस तरह का वातावरण रहेगा, क्या वहां पर ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, क्या वहां गर्मी पड़ने वाली है, कैसा वहां का माहौल रहेगा। तो पहले ही प्रिपेयर करना है कि मान लो ठंड पड़ रही है तो शॉल मॉल वगैरह रख के ले जाओ साथ में, ठीक है, और वहां पर जूते पहन के दौड़ना है नहीं दौड़ना है। फिर वहां पर कोई आप पहले आप उस पर यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कोई वीडियो, वैसे वीडियोस आ जाती हैं कि यहाँ पर भर्ती होने वाली है ग्राउंड देख लो, ऐसी वीडियोस बहुत सारी आ जाती हैं पहले से, तो उस ग्राउंड की वीडियो को सर्च कर लो, अगर वीडियो मिल जाते ठीक है, नहीं तो वहां पर जहां पर भर्ती होने वाली वहां पर आपके दोस्त लोग होंगे फ्रेंड लोग होंगे तो उनको कॉल करके पूछ लो कि भाई यहाँ का कैसा ग्राउंड है, वीडियोज मंगा लो वहां से, फोटोज मंगा लो, ठीक है। तो इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना, जिससे आप वहां पर जाओगे तो आपको पहले ही पता लग गया ना ग्राउंड कैसा है वहां का कैसा है, तो आपको ज्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं होगी वहां जाकर के। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब आपकी भर्ती आ जाए जिस दिन आप वहां पर पहुंच जाओ तो आपको बात कम करना है, ठीक है, बोलने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, आपको एकदम कीप एंड काम रहिए, ठीक है, चुपचाप रहना है आपको, अपनी तैयारी पर फोकस करके रखना है, ज्यादा अपने बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि मेरी टाइमिंग इतनी आती है, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है कि उसकी टाइमिंग इतनी आती है तो कैसे प्रिपेयर किया है क्या किया है, बस आपने जो तैयारी की है वो आपको वहां पर जाकर के अपना परफॉर्मेंस देना है। और बाकी मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो मैंने 5 पॉइंट बताए वो 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट ओवर एक्साइटेड, मतलब कभी भी आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, सेफ्टी यानी सुरक्षा का आपको ध्यान रखना है खुद की, और स्पीड वर्कआउट आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और चेस्ट वर्कआउट क्योंकि आपका सीने का साइज कम ना पड़ जाए, और पांचवी चीज आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है आपको ज्यादा से ज्यादा जहां पर भर्ती होने वाली है, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में अपने भाइयों में वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि पता लग सके कि एक महीने पहले बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर करना, खुद की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। और जाते जाते अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन दबा देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तब तक के लिए चलिए फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और ग्राउंड पे शाइन करते रहो। जय हिंद।